MMV टेक्निकल ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक के विषय में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है CNG सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। हमारे वाहनों में किस प्रकार से CNG सिस्टम कार्य करता है उसकी जानकारी इस मॉड्यूल में हम प्राप्त करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो को प्राप्त करते रहने के लिए कृपया बेल आइकन को जरूर दबाएं। MMV टेक्निकल YouTube चैनल पर आपको बहुत सारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड यानी मोटर मैकेनिक कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेंगे जो आपको कोर्स में हेल्प करेंगे। एम ऑफ लर्निंग सबसे पहला पॉइंट रहेगा इसमें हमारा CNG प्रेशर कंट्रोल, मेन पार्ट ऑफ CNG सिस्टम एंड वर्किंग ऑफ CNG सिस्टम, CNG सिस्टम वायरिंग डायग्राम, इंस्पेक्शन ऑफ CNG सिस्टम, CNG प्रेशर कंट्रोल। ये पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये हमें इस तस्वीर से पता चलेगा। CNG के सिलेंडर में हाई प्रेशर होता है, रेगुलेटर असेंबली लगी हुई होती है जो उसके प्रेशर को ड्रॉप करती है और ड्रॉप करने के बाद उसको इंजन में डाला जाता है। तो यानी इस हाई प्रेशर को कंट्रोल करना ज़रूरी है और यह हाई प्रेशर हम डायरेक्ट यानी यहाँ से सीधा डायरेक्ट हम इंजन में नहीं डाल सकते। तो देखिए एक बार थोड़ा ध्यान देते हैं। CNG स्टोर इन CNG टैंक एज ए फ्यूल एट हाई प्रेशर। CNG सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर में फ्यूल को इंस्टॉल करा गया होता है, स्टोर करके रखा गया होता है। हाई प्रेशर गैस गोइंग टू द रेगुलेटर कंट्रोल वॉल असेंबली। हाई प्रेशर जो है वो रेगुलेटर वॉल असेंबली के पास जाता है। रेगुलेटर चेंज द प्रेशर एंड गैस गोइंग टू द इंजेक्टर साइड। यानी रेगुलेटर से जो प्रेशर निकलेगा वे इंजेक्टर की ओर चला जाएगा। देन तब इंजेक्टर वर्किंग फ्यूल गॉन टू द इंटेक मैनिफोल्ड। यानी जो फ्यूल होगा वो इंजेक्टर के द्वारा इंटेक मैनिफोल्ड में डाल दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट थिंग्स की कि जब हम ये सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में कुछ सवाल आ सकते हैं। जैसे जब हम वाहन को CNG पे चलाएंगे यानी ड्राइवर इज़ रेडी टू ड्राइव एट CNG, तो CNG पे जब ड्राइवर गाड़ी को चलाना चाहता है तो कैसे पता चलेगा। हाउ टू शो CNG सिलेंडर प्रेशर क्वांटिटी, कैसे पता चलेगा कि सिलेंडर के अंदर कितना फ्यूल बचा रह गया है। हाउ टू कंट्रोल द हाई प्रेशर इनटू लो प्रेशर, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में कैसे पता चलेगा, ये सवाल हमारे दिमाग में आ सकता है। क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ द फ्यूल बिफोर एंटर द इंजन, यानी इंजन में फ्यूल को डालने से पहले उसकी मात्रा का नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये भी हमारे लिए एक ज़रूरी प्रश्न है। हाउ टू कंट्रोल लीकेज, मान लीजिए कोई अनइवन अगर लीकेज होने लगा तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि CNG में लीकेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, अगर लीक होता है तो वो कैसे कंट्रोल होगा। हाउ टू कैलकुलेट द एयर फ्यूल रेशियो एंड हाउ, यानी कि सिक्रोमेटिक रेशियो जो है वो कैसे बनेगा और उसे कौन बनवाएगा, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो CNG सिस्टम में हमारे सामने और हमारे दिमाग में आ सकते हैं। इनका जवाब हम पढ़ाई करते करते जानकारी इसकी प्राप्त हम कर लेंगे। अब CNG सिस्टम के अंदर कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं, तो फर्स्ट वन CNG टैंक यानी सिलेंडर, सेकंड सिलेंडर वॉल असेंबली, थर्ड प्रेशर गेज, फोर्थ रेगुलेटर असेंबली, फिफ्थ CNG फ्यूल फिल्टर, सिक्स कॉमन रेल। ये कुछ मुख्य पार्ट हैं जिसका उपयोग हम CNG सिस्टम के अंदर करते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं किंतु मेन पार्ट्स में हम इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। CNG टैंक यानी CNG सिलेंडर जो है हमारा,
एक कॉमन सिलेंडर नहीं है, उसके बारे में हम समझते हैं। हेड इज रेड एंड अदर साइड इज वाइट, यानी सिलेंडर का बाकी हिस्सा सफ़ेद है जबकि हेड वाला हिस्सा रेड होगा। ये स्पेशली सीएनजी सिलेंडर के केसेस में है। आप कोई भी सीएनजी सिलेंडर देखेंगे, यदि उसका ऊपर वाला हिस्सा रेड है और नीचे वाला हिस्सा वाइट है, तो आप ये मान सकते हैं कि उसके अंदर सीएनजी ही भरी जाएगी। वो स्पेशली सीएनजी को भरने के लिए ही बनाया गया है सिलेंडर। स्टोर प्रेशर इज 200 टू 300 बार 50 टू 60 लीटर, यानी अगर मैं इसके आयतन की बात करूं, तो इसमें 50 से 60 लीटर जो है एरिया इसके अंदर अवेलेबल है। और इसमें जो प्रेशर के साथ जो गैस भरी जाएगी, हमारी जो सीएनजी भरी जाएगी, उसका दबाव 200 से 300 बार हो सकता है। अब अगर हम आगे बढ़ें इसमें, तो वैसे तो जो हमारा सीएनजी सिलेंडर होता है उसमें 10 से 12 किलो गैस इजीली आ सकती है। यदि हम अधिक प्रेशर से भरें तो 14 किलो भी गैस आ सकती है। लेकिन जब हम आउटलेट्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर 200 या 180 बार के प्रेशर होने के कारण ही 10 से 11 किलो की गैस इसमें आती है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सीलेंट इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, ये जो सिलेंडर है ऐसा होना चाहिए कि यदि इसके ऊपर कोई हैमर से, कोई पत्थर से कोई इम्पैक्ट करे, या ये सिलेंडर कहीं पे गिर जाए या एक्सीडेंटल हो, तो इसका क्षमता ऐसा होना चाहिए कि ये इम्पैक्ट को सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके चोट को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर हीट प्रोटेक्शन, यानी जो हीट है ये ज़्यादा से ज़्यादा सहन करने योग्य होना चाहिए। यानी इसकी जो आउटर शीट हमने बनाई रखी है जिस चीज़ से, वैसी होनी चाहिए जो हीट को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद नो इफेक्ट ऑफ वेदर, हॉट और कोल्ड, यानी हम किसी भी मौसम में इस सिलेंडर का यदि प्रयोग करें तो वो सही प्रकार से उपयोग में आनी चाहिए। ठंडी जगह, गर्म जगह का कोई भी इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। स्पेशली हम यहाँ इस समय सीएनजी की बात कर रहे हैं, सीएनजी सिलेंडर की बात कर रहे हैं। फास्ट फिलिंग एफिशिएंसी, यानी सिलेंडर का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारा सिलेंडर शीघ्र ही फिलअप हो जाए। ब्लास्ट एंड लीकेज सेफ्टी, हमारा सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि वो अपने आप ब्लास्ट ना हो और उसमें से किसी प्रकार की कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। सीएनजी टैंक, सीएनजी सिलेंडर आर मैन्युफैक्चरर बाय यूजिंग स्टील मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरर है वो यूज़ करते हैं स्टील मटेरियल को फॉर मेड सीएनजी सिलेंडर्स। वैसे तो क्रोमियम स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज क्रोम की जो लेयर होती है उस पर जंग नहीं लगता है, तो ज़्यादातर उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम मात्रा की बात करें, तो सर्वाधिक जो है स्टील की मात्रा हमें उसमें मेटल में देखने को मिल जाती है। सीएनजी फिलिंग वॉल, जिसे रिसेप्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, ये कुछ ऐसा पार्ट होता है। अब ये है क्या चीज़, जिस जगह से हम सीएनजी फिल करते हैं, जैसे ये वाला आपने पार्ट देखा होगा अगर सीएनजी में, तो इसको निकाला जाता है और इसमें फिल किया जाता है, फिर हम सीएनजी इसमें भर पाते हैं। और जो कि कंपनी फिटमेंट आती हैं, उसमें आपको कुछ इस तरीके का फ्यूल फिलिंग कैप पर देखने को मिल जाएगा। इट इज़ ए ओनली वन वे, वन साइड वन वे वॉल लाइक टायर फिलिंग वॉल। तो ये जो वॉल है ये इस तरीके का है कि सिर्फ एक ही दिशा में केवल फ्लो हो सकता है, दोनों दिशाओं में फ्लो नहीं होता। जैसे हमारी गाड़ी का जो टायर होता है उसमें भी सेम सिचुएशन होती है कि हवा केवल अंदर भरी जा सकती है, अंदर से बाहर निकाली नहीं जा सकती। ऐसा ही इसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ए यूज फॉर फिलिंग सीएनजी फ्यूल, सीएनजी फ्यूल को भरने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम। इट इज़ लोकेशन फिलिंग कैप और इंजन कैबिन, या तो ये फिलिंग कैप के नीचे होगा या फिर इंजन कैबिन में लगा हुआ हो सकता है। इट इज़ मेड इन ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील,
स्टील के भी बने हुए हो सकते हैं और ब्रास के भी बने हुए हो सकते हैं। नोट, फ्यूल फिलिंग कैप साइड सेफ बट सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक है बट इंजन साइड इज नॉट सेफ। यानी फ्यूल फिलिंग कैप में यदि हम इस रिसेप्टिकल को रखते हैं, फ्यूल फिलिंग वाल को रखते हैं, तो वो ज़्यादा सुरक्षित होगा एज कंपेरेटिवली इंजन में रखने के। द वॉल लीकेज ऑफ फ्यूल रिप्लेस इमीडिएटली। यदि ये वॉल आपको किसी प्रकार से रिप्लेस नज़र आ रहा है, आपको लीकेज नज़र आ रहा है, रिप्लेस करने की आपको आवश्यकता नज़र आ रही है, तो इसे इमीडिएटली रिप्लेस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ समय ले लें फिर उसके बाद उसको रिप्लेस कर रहे हैं, इमीडिएटली हमें उसे बदलना चाहिए। यहाँ पर इसके ऊपर ये देखेंगे आप ध्यान से तो एक कैप लगी हुई होती है, ये कैप भी एक प्रकार से सेफ्टी देने का काम करती है। इस कैप को अगर आप उसके ऊपर लगा देंगे और अगर हल्का हल्का भी रिसाव उस वाल के अंदर से हो रहा है तो ये कैप क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इससे क्या होगी, बाहर निकल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि ये वॉल जो है हल्का हल्का लीक कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रिसेप्टिकल जो है हमारा, यानी CNG फिलिंग वॉल जो है वो CNG फिल करने के लिए यूज़ हो रहा है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, CNG सप्लीमेंट्री सेफ्टी। अब जो हमारा CNG सिस्टम है उसमें कुछ सप्लीमेंट्री सिस्टम भी देना पड़ेगा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जो कि हम अभी फ़िलहाल सिलेंडर में लगे हुए मैनुअल वॉल की बात करेंगे। तो ये होता है हमारा पूरा मैनुअल वॉल असेंबली, एंड मैनुअल वॉल असेंबली में लगा होता है हमारा प्रेशर रिलीफ वॉल। ये हमारा प्रेशर रिलीफ वॉल है ये वाला। अब ये प्रेशर रिलीफ वॉल जो है ये काम क्या करता है इसे समझते हैं। द प्रेशर रिलीफ वॉल डिवाइस टेम्परेचर इंक्रीज विल बी फिटेड टू द मैनुअल वॉल असेंबली। ये जो प्रेशर रिलीफ वॉल है टेम्परेचर इंक्रीज होने पर कार्य करता है और ये फिटेड किसके ऊपर है, मैनुअल वॉल पर। इफ़ द प्रेशर इज़ हायर देन हिज कैपेसिटी, यानी यदि सिलेंडर की कैपेसिटी से अधिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा, यानी लगभग 350 bar, यानी 300 से 350 bar का प्रेशर यदि डेवलप हो जाता है, देन फ्यूल थ्रो आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। यानी जो CNG सिलेंडर के अंदर जो हमारा फ्यूल है वो एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट कर देगा, ये वॉल ऑटोमेटिकली रिलीव कर देगा प्रेशर को। मैनुअल वॉल इज फिक्स टू द सिलेंडर विच कैन बी यूज मैनुअली ऑपरेटेड बाय यूज़र। ये आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, इसे हम मैनुअल वॉल बोलते हैं। इसके द्वारा आप CNG की सप्लाई को मैनुअली बंद कर सकते हैं या फिर चालू कर सकते हैं, तो यूज़र के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है और ये CNG सिलेंडर के हेड पर लगा होता है। एक्सेस फ्लो वॉल, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि ये जो है सिलेंडर के हेड पर टाइट कर दिया जाएगा। द एक्सेस फ्लो वॉल इज फिटेड इन द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के ऊपर इसको लगाया जाएगा एंड वर्किंग ऑटोमेटिकली, ये अपने आप ही काम करेगा। इफ फ्लो गोइंग टू 1 bar इट इज वर्क्स ऑन प्रेशर डिफरेंस। यदि प्रेशर 1 bar तक डाउन हो जाता है, यानी CNG सिलेंडर में जो प्रेशर हमारा 200 से 250 बार उसके अंदर रखा गया है, यदि वो आगे जाते समय 1 bar में कन्वर्ट हो जाए तो होगा क्या, ये जो एक्सेस फ्लो वॉल है ये रास्ते को बंद कर देगा। और ये किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, इट्स वर्क ऑन प्रेशर डिफरेंस। इनसाइड अ सिलेंडर एंड लाइन प्रेशर डिफरेंस नियर बाय, यानी यदि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर और रेगुलेटर से पहले जो लाइन में जो प्रेशर जा रहा है, मैनुअल वॉल खोलने के बाद लाइन में जो प्रेशर जा रहा है, अगर वो दोनों प्रेशर नियर बाय द इक्वलिटी यानी एक दूसरे के बराबर हैं तो क्या होगा, नियर बाय सेम देन
इट्स ओपन। अगर दोनों तरफ प्रेशर बराबर है, यानी टंकी के अंदर भी यानी सिलेंडर के अंदर भी प्रेशर उतना ही है और आगे लाइन में भी उतना ही है, तो एक्सिस फ्लो वाल्व ओपन रहता है। यदि बाहर की लाइन में प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है द नियर बाय द वन बार, तो ये एक्सिस फ्लो वाल्व क्लोज हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिजिबल प्लग, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिजिबल प्लग जो है वो लगा हुआ है। फिजिबल प्लग ऑपरेट्स एज ए सेफ्टी वॉल व्हेन डेंजर टेम्परेचर। सेफ जो फिजिबल प्लग है वो ऑपरेट होता है सेफ्टी के लिए जब बहुत अधिक तापमान बढ़ जाता है, असुरक्षित तापमान आ जाता है, उस केस में ये जो है कार्य करता है। When the temperature going to the 105 to 125 Celsius, then plug going melt and pressure release, so cylinder is safe from the blast. जब तापमान 105 से 125 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, यानी सिलेंडर के बाहर की बात करें, सिलेंडर के आउटर एरिया का तापमान यदि इतना हो जाता है, तो क्या होगा, ये जो प्लग है ये इसका अंदर जो मटेरियल है वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघलने से क्या होगा, प्रेशर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सिलेंडर इज सेफ फ्रॉम द ब्लास्ट, यानी जो हमारा सिलेंडर है वो ब्लास्ट होने से बच जाएगा और केवल फ्यूल जो है वो हमारा जलेगा। तो ये भी एक सेफ्टी का ही एक पार्ट है जिसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे द शट ऑफ वॉल्व। जैसे आप यहाँ ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा एक शट ऑफ वॉल्व है। इट इज़ नॉर्मली वॉल्व, इट इज़ ओपन कंट्रोल बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लंजर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्लंजर है उसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। इट्स कंट्रोल द फ्यूल एट लो प्रेशर लाइन एंड हाई प्रेशर। इसके द्वारा फ्यूल को कंट्रोल किया जाता है लो प्रेशर लाइन में या हाई प्रेशर लाइन में, सो दैट सम सीएनजी फिटिंग यूजिंग वन और टू वॉल्व। यदि हाई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक लगा रखा है, लो प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक शट ऑफ वॉल्व लगा रखा है, तो हमारे पास दो शट ऑफ वॉल्व होंगे। और यदि केवल लो प्रेशर को ही कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, तो हमें एक ही वॉल्व देखने को मिलेगा। तो शट ऑफ वॉल्व की संख्या एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती है। हाई प्रेशर गेज एंड रेगुलेटर असेंबली। हाई प्रेशर गेज जो कि देखने में कुछ इस प्रकार का होगा, ये नीचे लिखा होगा इसमें कि बार में इसमें रीडिंग पढ़ी जा सकती है, तो इसमें पर्टिकुलर अलग अलग जीरो से रीडिंग स्टार्ट होगी, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 400 बार। हालांकि 100 के बाद जो हमारा 200, 250 के नियरेस्ट अबाउट हमारा सीएनजी फिलिंग किया जाता है। आइए इसके बारे में जानें। प्रेशर गेज लोकेशन इज इंजन कैबिन और बूट स्पेस। तो ये जो है लगा हुआ हो सकता है आपका इंजन कैबिन में, जिसे हम बोनट बोलते हैं इंजन साइड, या फिर डिग्गी में यानी बूट स्पेस साइड लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज शोइंग प्रेशर ऑफ हाई प्रेशर पाइपलाइन, यानी सीएनजी सिलेंडर से और रेगुलेटर से पहले जो एरिया है उसमें जो प्रेशर है ये उसको शो करता है, दिखाता है। इट इज यूज टू मैन्युअली चेक द प्रेशर लेवल ऑफ सीएनजी, यानी इसके द्वारा हम मैन्युअली सीएनजी के प्रेशर को चेक कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि सीएनजी सिलेंडर के अंदर कितनी सीएनजी बची हुई है। रेगुलेटर असेंबली जो कि कुछ इस प्रकार की दिखती है। इट इज यूज टू चेंज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बिफोर इंजेक्टर। सीएनजी सिलेंडर से जो सीएनजी निकली थी वो हाई प्रेशर इस रेगुलेटर में जाएगा
और वो लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा इंजेक्टर से पहले। तो क्या होगा, 200 से 240 बार जो कि सीएनजी सिलेंडर के अंदर अवेलेबल है उसको कितना कम कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा कितने में, 2 से 2.5 बार के बीच में। और इसको करने का कार्य कौन करेगा, रेगुलेटर वॉल असेंबली यानी रेगुलेटर असेंबली करेगी। कुछ जगह पर इसे रेगुलेटर वॉल असेंबली भी बोला जाता है। हॉट कूलेंट फ्लो यूज फॉर मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ रेगुलेटर। अब देखिए इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसमें ये सही प्रकार से कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जैसा हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब भी हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस होने लगेगा। और अगर ये गतिविधि ये कार्य बार बार दोहराया जा रहा है तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा कम होने से जो हमारा फ्यूल है वो वहाँ पर जमना स्टार्ट कर देगा, और जिस काम के लिए हमने रेगुलेटर लगाया है वो कार्य बाधित होने लगेगा, सही प्रकार से वो प्रेशर डाउन नहीं कर पाएगा और फ्यूल जो है वो एटोमाइज फॉर्म नहीं ले पाएगा, यानी एज ए गैस फॉर्म जो बिल्कुल सही तरीके से आना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा कूलिंग सिस्टम है उसके कूलेंट का हम इस्तेमाल करते हैं और रेगुलेटर असेंबली के अंदर एंटर करवा देते हैं, जिससे इसका एक वर्किंग टेम्परेचर असेंबली का बना रहता है और ये सही प्रकार से कार्य करता है। सीएनजी फ्यूल फिल्टर, सीएनजी फ्यूल फिल्टर का जो इस्तेमाल है हम करते हैं गाड़ी के अंदर ताकि हमारा जो कंपोनेंट है वो डैमेज से बच सके। आइए इसके बारे में जानते हैं। फिल्टर एलिमेंट आर मेड फ्रॉम सेरेमिक एंड थ्रेड पेपर, यानी थ्रेड पेपर और सेरेमिक के द्वारा इसके जो फिल्टर एलिमेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं उसे बनाया जाता है। स्टोर टू द ह्यूमिडिटी, यानी जो आर्द्रता होती है जिसे हम बोलते हैं नमी, जिसे हम बोलते हैं मॉइस्चर, वो क्या करता है फिल्टर अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ही सोख लेता है। फ्यूल फिल्टर यूज फॉर प्रोटेक्शन डस्ट मेटल पार्टिकल्स एंड डैमेज, फ्यूल फिल्टर प्रोटेक्ट करेगा डस्ट से, घिसे हुए छोटे मेटल पार्टिकल से और इनसे होने वाले डैमेज से। फ्यूल फिल्टर हैव वन इनलेट और वन आउटलेट पॉइंट, यानी एक साइड से इन होगा और दूसरी साइड से आउट हो जाएगा। इट्स बॉडी मेड बाय प्लास्टिक स्टील एंड एल्यूमिनियम, इसका जो आउटर असेंबली है इसको प्लास्टिक स्टील या फिर एल्यूमिनियम का देखा जा सकता है। फ्यूल फिल्टर इज रिप्लेस अकॉर्डिंग टू द PMS, यानी कि जो पीरियोडिक मेंटेनेंस शेड्यूल है PMS है, जिस समय पर कंपनी ने निर्धारित किया है कि इस समय अवधि के बाद इस फिल्टर को बदल देना चाहिए, तो PMS के अनुसार इसको रिप्लेस किया जाता है। और इसका समय अवधि हर कंपनी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद डिसाइड करती है, तो हमें मैनुअल का हेल्प लेने के बाद ही इसको रिप्लेस करना चाहिए। कॉमन रेल, इट इज यूज फॉर कॉन्टैक्ट विद इंजेक्टर एंड गिवन इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, जो कॉमन रेल होती है वे इंजेक्टर के साथ जोड़ी जाती है ताकि इक्वल क्वांटिटी यानी सभी इंजेक्टर को समान मात्रा में फ्यूल मिल सके। दिस कंपोनेंट इज यूज लो प्रेशर, ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर लो प्रेशर का उपयोग किया जाता है। इट इज फिक्स ऑन सिलेंडर हेड, ये सिलेंडर हेड पर लगी होती है। इट हैव वन इनपुट और अनदर आउटपुट होल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सिलेंडर एंड टेक्नोलॉजी, यानी इसमें एक हिस्सा एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से फ्यूल एंट्री करेगा और बाकी हिस्से के पॉइंट में होल होंगे जो इंजेक्टर के पास जा रहे होंगे। ये होल डिपेंड कर सकता है
टेक्नोलॉजी पर। हो सकता है कि दो दो इंजेक्टर्स लगाने की भी फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं, तो ये संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। इट्स हैव ए लाइक ए प्लास्टिक, स्टील एंड एल्युमिनियम, ये बना हो सकता है या इसमें उपयोग किया जाता है बनाने के लिए प्लास्टिक, स्टील या एल्युमिनियम का। इट इज टू टाइप, वन इज रिटर्न टाइप एंड नॉन रिटर्न टाइप, यानी एक प्रेशर इसमें भेजा गया और वो प्रेशर ही केवल भेजा जा रहा है, बस फ्यूल स्प्रे हो रहा है इंजेक्टर्स के थ्रू। लेकिन एक मेथड यहाँ से प्रेशर भेजे और इसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दूसरी तरफ से प्रेशर रिलीज करते रहे, तो वो होता है हमारा रिटर्न टाइप, और एक होता है नॉन रिटर्न, यानी केवल प्रेशर भेजा जाएगा। तो ये दो प्रकार की कॉमन रेल का उपयोग देखने को मिल सकता है। सीएनजी इंजेक्टर का वर्किंग है, सीएनजी फ्यूल को इंटेक मैनिफोल्ड में एंटर करना। इट इज अलाउ फॉर करेक्ट कंट्रोल फ्यूल इंजेक्ट बाय द क्रोस्पॉन्डिंग टू रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट, यानी कितनी मात्रा में फ्यूल को इंजेक्ट करना है ये डिसाइड होगा सिग्नल के द्वारा, और कंट्रोल यूनिट इंजेक्टर से काम करवाएगी और करेक्ट फ्यूल वैल्यू को अलाउ करेगी। इट इज वर्किंग लाइक ए सोलेनोइड वाल्व एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ फ्यूल, ये एक साधारण सोलेनोइड के जैसा काम करता है और फ्यूल के फ्लो को कंट्रोल करता है। इट इज वर्क ऑन 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट पर कार्य करता है। ये जो इंजेक्टर है इसकी संख्या टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है कि कितनी और कैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है एंड कितने सिलेंडर का इंजन इस्तेमाल किया गया है, इसके आधार पे इंजेक्टर की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। फ्यूल प्रेशर टेम्परेचर सेंसर, फ्यूल प्रेशर, द प्रेशर सेंसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइज द प्रेशर ऑफ फ्यूल दैट इनसाइड द लाइन ऑफ सीएनजी सिस्टम, यानी जो प्रेशर सेंसर हमने लगाया है वो सीएनजी लाइन के अंदर जो प्रेशर है उसको सेंस करने का कार्य करेगा और एक सिग्नल जनरेट करेगा। दिस सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैलकुलेट द फ्यूल प्रेशर देन सेंड हिज इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल यूनिट। ये जो प्रेशर सेंसर है, यह रेगुलेटर वॉल पर लगा हो सकता है और वहाँ पे ये इस जानकारी को प्राप्त करता है कि सिलेंडर द्वारा, सीएनजी सिलेंडर द्वारा कितना प्रेशर रेगुलेटर को दिया जा रहा है, और ये जानकारी प्राप्त होने के बाद ही शट ऑफ वॉल्व को खोला जाता है, कितने समय के लिए खोला जाना है उसका निर्धारण किया जाता है। एंड इस फ्यूल प्रेशर सेंसर के कारण ही हम एक डिस्प्ले यूनिट का इस्तेमाल करते हैं कैबिन के अंदर लगाने के लिए, ड्राइवर कैबिन के अंदर लगाने के लिए, ताकि ड्राइवर को, यूज़र को ये पता चल सके कि कितना सीएनजी अभी सिलेंडर के अंदर बचा हुआ है एट द ड्राइविंग टाइम। तो वहाँ पर भी इसका अपना एक बेनिफिट है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैप प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर, कुछ इस प्रकार का पार्ट है। द फंक्शन ऑफ मैप सेंसर इज इन्फॉर्म टू द ECU फॉर द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर प्रेजेंस इन द कॉमन रेल, यानी जो हमारी कॉमन रेल है जिसके बाद हमारे इंजेक्टर्स हैं, उस कॉमन रेल में जो फ्यूल है उसका प्रेशर और टेम्परेचर कितना है
उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम मैप सेंसर को लगाते हैं। प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है या एटमॉस्फेयर से कम है, इसकी जानकारी प्राप्ति मॉड्यूल को हो जाती है, जिसके पश्चात ही इंजेक्टर कितनी देर के लिए खोला जाना है इसका निर्धारण ईसीयू द्वारा किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। फ्यूल मोड स्विच दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, इसमें कुछ एलईडीज लगी होती हैं। आइए इसे समझते हैं। इट इज यूज फॉर चेंज फ्यूल सोर्स। इस स्विच का प्रयोग हम फ्यूल सोर्स को बदलने के लिए करते हैं, यानी हमें वाहन पेट्रोल पे चलाना है या सीएनजी पे चलाना है तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज एन एलईडी डिस्प्ले फॉर फ्यूल क्वांटिटी। इसमें कुछ एलईडी डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाता है जो फ्यूल की क्वांटिटी को बताता है। बट ड्राइवर विल नॉट नीड टू स्टॉप द कार, ताकि ड्राइवर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वाहन को रोक के बार बार चेक करने की कि गाड़ी में फ्यूल कितना है, सीएनजी फ्यूल कितना है। ही इज चेक्ड द प्रेशर एट कार रनिंग टाइम, यानी वे डिस्प्ले पे देख के ये समझ सकता है कि जो फ्यूल है वो कितना गाड़ी के अंदर अवेलेबल है, उसकी क्वांटिटी की जांच की जा सकती है रनिंग टाइम पर। बट इट इज़ ऑल्सो शोइंग एंड प्रेशर गेज, यही सेम चीज़ हमें प्रेशर गेज पे भी देखने को मिलती है। बट ड्राइवर विल नीड टू स्टॉप द कार, ये चीज़ ड्राइवर को देखने को मिल सकती है हाई प्रेशर गेज से भी, लेकिन उसके लिए वाहन को रोकना पड़ेगा। किंतु गाड़ी चलते समय अगर हम देखना चाहते हैं कि क्वांटिटी कितना है तो फ्यूल मोड स्विच का प्रयोग किया जाता है देखने के लिए भी। लाइट ग्लो इज इंडिकेशन ऑफ इंजन फ्यूल सोर्स। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे इस पे लाइट लगी हुई है, यहाँ पर इसमें अपनी एक लाइट है, यहाँ पर अपनी एक लाइट है। ये जो लाइट है ये बताती है कि आपका फ्यूल सोर्स क्या है, आपका फ्यूल सोर्स पेट्रोल है या फिर गैस है, पेट्रोल है या फिर सीएनजी है। फर्स्ट सीएनजी विल रन एट पेट्रोल, सबसे पहले जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो वो पेट्रोल पे ही रन करता है। बट आफ्टर पुश चेंज मोड बटन देन ऑटोमेटिक इट्स कन्वर्ट ऑन सीएनजी। जब हम चेंज मोड के बटन को प्रेस करते हैं तो सीएनजी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। जब सीएनजी के लायक सीएनजी की कंडीशन के अकॉर्डिंग इंजन पूरी तरीके से रेडी हो जाता है तो पेट्रोल से हटकर फ्यूल सीएनजी की ओर चली जाती है, सीएनजी फ्यूल पर चली जाती है। इफ पेट्रोल इज एम्प्टी देन लॉन्ग प्रेस द चेंज बटन, इट विल बी इंस्टेंटली गोइंग टू सीएनजी। यदि पेट्रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है तो हमें ये इंतज़ार नहीं करना होगा कि फ्यूल अपने आप ही जो है रिसोर्स जो है उसका चेंज हो और वो आगे सीएनजी पर जाए। हम जो चेंज बटन है जिसे हम मोड बटन भी बोलते हैं या कन्वर्टर बटन भी बोलते हैं, कन्वर्ट बटन भी बोलते हैं, उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर तो भी वो अपने आप सीएनजी पर डायरेक्टली चला जाएगा और आप डायरेक्ट सीएनजी पे भी स्टार्ट कर पाएंगे। बट सम सीएनजी किट इटसेल्फ चेंज, कुछ सीएनजी किट के अंदर ये अपने आप बदलते हैं। द फ्यूल सोर्स इफ वी यूज एक्सेलरेटर पैडल यूज सडनली, कुछ सीएनजी किट ऐसी आती हैं जिसमें जैसे हम बोलते ना कि सीएनजी दो प्रकार की आती हैं किट लगवाने के लिए, एक लोकल और एक जेन्युइन। जो जेन्युइन सीएनजी होगा उसमें तो हमें देखने को क्या मिलेगा कि बटन को लॉन्ग प्रेस कीजिए आफ्टर सम सेकेंड्स देन वो अपने आप ही सीएनजी पे कन्वर्ट हो जाएगा।
लेकिन जो आउटसाइडर फिटमेंट आता है उसमें क्या होता है, अगर आप दो तीन बार, एक बार चेंज मोड पे आपने डाल दिया और अब आप चाहते जल्दी से वो सीएनजी मोड पर आ जाए, तो आप जल्दी जल्दी सडनली एक्सेलरेशन करेंगे तो भी आपकी गाड़ी जो है वो सीएनजी मोड पर चली जाएगी। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं इसमें थोड़ा। यहाँ पर एक बटन अगर आप देखेंगे दिया गया है प्रेस करने के लिए, ताकि आप मोड बदल सकें। ये बताएगा कि आप सीएनजी मोड पर चला रहे हैं, ये बताएगा पेट्रोल मोड पर चला रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक एलईडी डिस्प्ले लगी हुई है। तो अगर मैं बात करूँ कि ये लाइन पूरी ऐसे यहाँ पर तक फुल है, तो यानी मैं मान के चलूँगा कि जो सीएनजी है वो बताएगा कि 95 to 100 है। यदि इस वाली लाइट तक है तो 70%, इस वाली लाइट तक है तो 50%, इस वाली लाइट तक है तो 10 to 25%, और यदि ये वाली लाइट है तो 0 से 10 के बीच में, तो ये लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो पेट्रोल का अगर आप फ्यूल देखना चाहते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट पैनल पर अलग से गेज लगा हुआ होता है, वहाँ हम देख सकते हैं। ये स्पेशली बनाया गया है कि ताकि हम अपना सीएनजी जो है उसका क्वांटिटी हम देख सकें। आई होप इसमें आपको चीज़ों का जानकारी मिला होगा। आइए अब हम सीएनजी की वर्किंग को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये पूरा वर्किंग स्क्रीन इसमें हमें दिखा है पूरा, इसमें हम कुछ चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। जैसे डार्क ग्रीन कलर बता रहा है हाई प्रेशर को, यानी 200 से 250 बार को, जबकि लाइट ग्रीन बता रहा है लो प्रेशर को। और हाई प्रेशर कहाँ से है, देखिए टैंक से, फ्यूल फिलिंग वॉल्स, गेज, रेगुलेटर, एंड रेगुलेटर के बाद लो प्रेशर फिल्टर। तो इसमें प्रेशर क्या है देखेंगे, लो प्रेशर बोल रहा है तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, 2 से 2.5 bar का है। फिल्टर के बाद कॉमन रेल, कॉमन रेल में भी उतना ही प्रेशर है, मैप सेंसर में भी उतना ही प्रेशर जा रहा है, और इंजेक्ट हो गया वो प्रेशर, तो कहाँ चला गया हमारा, इंजन के अंदर चला गया, और आगे जलने के बाद O2 सेंसर से, कैटलिटिक कन्वर्टर से वो आगे निकल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हॉट कूलेंट इन और लो टेम्परेचर कूलेंट आउट। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की बात हो रही है। तो जो हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर है वो इसके अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एंट्री करेगा और इसको वर्किंग टेम्परेचर पर बनवाएगा। अब हम इसके वर्किंग की बात करेंगे और इसको एक बार इसकी वर्किंग को सही प्रकार से समझेंगे। सीएनजी सिलेंडर में लगभग 200 से 250 बार का प्रेशर अवेलेबल है। वो प्रेशर आगे जाएगा गेज के पास और गेज से होते हुए जाएगा रेगुलेटर वॉल में। रेगुलेटर असेंबली द्वारा प्रेशर ड्रॉप आउट कर दिया जाएगा 2 से 2.5 bar में, और फ्यूल फिल्टर से क्लीन होते हुए वे चला जाएगा कॉमन रेल में। कॉमन रेल में प्रेशर 2.5 bar का है जो इंजेक्टर द्वारा इंजेक्ट किया जाएगा और फ्यूल सिलेंडर के अंदर जाएगा। रेगुलेटर सही प्रकार से कार्य कर सके, सही टेम्परेचर पर कार्य कर सके, इसके लिए इसमें कूलेंट की 2 लाइनें उपलब्ध कराई गई हैं। अब आते हैं इनके प्रश्नों पर कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। इसमें हमने एक कंट्रोल यूनिट लगाई है जिसको कुछ चीज़ों का डाटा लेना पड़ रहा है और कुछ काम करवाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा लगा हुआ है प्रेशर सेंसर जिसका सिग्नल मॉड्यूल के पास जाएगा। यहाँ पे लगा रखा हमने मैप सेंसर जिसका सिग्नल मॉड्यूल के पास जाएगा। इसके अतिरिक्त बाकी सभी एक्चुएटर्स हैं, जैसे डिस्प्ले, ये हमारा एक तरीके से एक्चुएटर भी है, कुछ डिस्प्ले कराने का भी काम करवा रहे हैं इससे हम, और साथ ही साथ इनपुट देने का भी काम करवाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक शट ऑफ वॉल्व लगा हुआ है कि सीएनजी सिस्टम को कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, एंड यहाँ पर हमारा रेगुलेटर पे एक शट ऑफ वॉल्व लगा हुआ है, ये यूनिट उसको कब चालू करवाएगी, कब बंद करवाएगी, ये यूनिट पर डिसाइडेबल होगा। अब पहले हम यहाँ से वर्किंग को समझना स्टार्ट करते हैं कि ये प्रेशर यहाँ पर जाएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पर शट ऑफ वॉल्व लगाया है जो कि
इस मॉड्यूल के द्वारा ही खोला जा सकता है। अब इसमें पहुंचेगा वो हाई प्रेशर, तो यहाँ पर कितना प्रेशर है इस टैंक के अंदर, इस प्रेशर सेंसर द्वारा जज कर लिया जाएगा और शट ऑफ वाल्व को उतने ही समय के लिए खोला जाएगा जितने समय में स्प्रे होने के बाद या फ्यूल निकलने के बाद उसका प्रेशर 2.5 bar रह जाए। वो प्रेशर फिर आगे जाएगा और लो प्रेशर फिल्टर में जा कर के उसको क्लीन किया जाएगा। अब वो 2.5 प्रेशर का जो बार का प्रेशर है, जो 2.5 बार का प्रेशर है वो कॉमन रेल के अंदर है। अब यहाँ पर इंजेक्टर को कितने समय के लिए खोलना है और कब खोलना है, यह डिसीजन ECM लेगा बिहाफ ऑफ CKP सेंसर, CMP सेंसर एंड MAP सेंसर। तो MAP सेंसर बिल्कुल कॉमन रेल पर ही लगा हुआ है, इसका भी डाटा चला जाएगा यूनिट के पास और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से CNG का जो मॉड्यूल है इसके पास डेटा मिलता रहता है विद द हेल्प ऑफ कैन कम्युनिकेशन, जिसके बाद इंजेक्टर के सही समय पर और सही क्वांटिटी को इंजेक्ट करना बहुत ही सरल हो जाता है और इस प्रकार से हमारा फ्यूल जो है वो इंजेक्ट करता है। अब देखिए एक जानकारी लेने वाली बात कि यहाँ पर भी एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और मैप सेंसर के अंदर भी एक प्रेशर सेंसर है, तो होगा क्या कि अगर यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रेशर है और वही उससे डाउन प्रेशर हमें यहाँ पर क्रिएट कराना होता है, इस कॉमन रेल के अंदर बनाना होता है, तो वो सही प्रकार से बन रहा है नहीं बन रहा, यानी इनडायरेक्टली इन दो सेंसर्स के द्वारा रेगुलेटर की वर्किंग की भी जानकारी हमारे मॉड्यूल को मिलती रहती है कि वो सही प्रकार से कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा प्रेशर सेंसर और यहाँ पर मैप सेंसर, इन दोनों की रीडिंग मॉड्यूल के पास जाती है जिससे पता चलता है कि रेगुलेटर जो है वो 2.5 bar का लो प्रेशर बनवाने में सही प्रकार से कार्य कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है, तो इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमने समझा इसकी वर्किंग के बारे में, यहाँ पर हमने समझा वर्किंग के बारे में, रिसेप्टिकल द्वारा फ्यूल को भरा जाएगा, फ्यूल यहाँ पर भर गया, अब इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसको आगे भेजा जाएगा रेगुलेटर में, रेगुलेटर में भेजने से पहले हम गेज में उसको देख सकते हैं कि कितना प्रेशर अवेलेबल है। अब प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा 240 यानी 200-250 bar से 2 से 2.5 bar में, तो यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमने कूलेंट का फ्लो एंटर करवाया है। इसके बाद लो प्रेशर निकलेगा और कॉमन रेल में जाएगा, कॉमन रेल में जाएगा तो इसके कॉमन रेल के ऊपर एक मैप सेंसर लगा हुआ है जिसकी रीडिंग मॉड्यूल को मिल रही है और इंजन का भी डाटा मॉड्यूल को कैन कम्युनिकेशन से मिल रहा है, जिसके आधार पर इंजेक्टर का समय निर्धारित किया जाएगा और क्वांटिटी सेट कर ली जाएगी ताकि ये जो सेक्रोमेट्रिक रेशियो है उसे सही प्रकार से बनवाया जा सके। तो ये था इसका ओवरऑल वर्किंग। अब हम बात करेंगे इसके अगले स्लाइड की, CNG सिस्टम वायरिंग डायग्राम। नोट, इट इज ओनली फॉर कंपनी फिटेड CNG। लोकल किट सिस्टम यूज डेटा ऑफ पेट्रोल सिस्टम वायरिंग, सो कट एंड यूज द पेट्रोल सिस्टम वायरिंग। यानी यहाँ पर ये जो तस्वीर बताई गई है ये बताई जा रही है सिर्फ कंपनी फिटमेंट CNGs के लिए, जबकि लोकल जो CNG आती हैं उसमें जब भी कोई डेटा चाहिए होता है तो डायरेक्ट वायरिंग कटिंग करके, इंजन की ही वायरिंग कट करके, छोटे छोटे मॉड्यूल्स लगा करके, छोटे छोटे यूनिट लगा करके उसको जोड़ दिया जाता है, तो वो होती है लोकल किट्स में जो मार्केट में देखने को मिल सकती हैं आपको। तो यहाँ पर मैं सिर्फ उस CNG किट की बात कर रहा हूँ जो कंपनी फिटमेंट होगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ECM के द्वारा जो डेटा का रिक्वायरमेंट होगा, ECM के द्वारा जो डेटा का रिक्वायरमेंट होगा वो होगा O2 सेंसर का, हमारे CNG कंट्रोल मॉड्यूल को, थ्रॉटल पोजिशन सेंसर का, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का और
सी के पी सेंसर का, यानी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का। अब सीएनजी के मॉड्यूल में जो अपने खुद के सेंसर हैं उसके भी डेटा की जरूरत पड़ेगी, जैसे फ्यूल प्रेशर सेंसर यानी टैंक के अंदर ऑलरेडी कितना प्रेशर है, एंड मैप सेंसर। इसमें मैप सेंसर में प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों आ जाएगा कि भाई कॉमन रेल पर कितना प्रेशर और टेम्परेचर है। ये सभी डेटा कंट्रोल मॉड्यूल को जाएगा, देन कंट्रोल मॉड्यूल अपने बेसिस पे कुछ काम करवाएगा, जैसे इंजेक्टर से काम करवाएगा, शट ऑफ वॉल से काम करवाएगा कि आपको कब खुलना है कब बंद होना है। इसके अलावा मोड स्विच, जो मोड स्विच है उसमें जो एलईडी दिख रही है, जो लाइट दिख रही है कि भाई कितना फ्यूल बचा हुआ है, उसको काम करवाएगा। पेट्रोल फ्यूल कट ऑफ रिले, यानी जब सीएनजी पे ये मॉड्यूल जब सीएनजी पे गाड़ी को चलाने के लिए परमिशन ग्रांटेड करेगा तो ईसीएम को बता देगा भाई कि आप जो है अपना जो फ्यूल है उसको कट ऑफ कर दो, तो उसको कट ऑफ करवाने में भी हेल्प करेगा, फ्यूल को कट ऑफ करेगा। MIL लाइट, यानी यदि सीएनजी सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता तो इसके रिगार्डिंग कुछ गाड़ियों में MIL लैंप यानी मलफंक्शन लाइट भी दी जाती है सर्विस के लिए, ताकि आप सीएनजी सिस्टम की भी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करवा सकें। कैन लाइन यानी कैन कम्युनिकेशन के द्वारा भी इसका डाटा अनदर मॉड्यूल्स को दिया जा सकता है। एंड DLC डाटा लिंक कनेक्टर, इस मॉड्यूल के अंदर आने वाले किसी भी फॉल्ट या जांच या डाटा इंस्पेक्शन के लिए इस डाटा लिंक का प्रयोग किया जाता है। तो आज इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई हैं।